हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आज मैं ऐसे पौधे आपको दिखाऊंगी जिसके लिए हमें एक बारी पैसे खर्च करने हैं और लंबे टाइम तक हमारे पास ये रह लेते हैं, और इन्हीं से हम ढेर सारे पौधे बना सकते हैं और ये अपने आप भी ग्रो होते रहते हैं। इनके लिए कुछ अलग से, कुछ पौधों के लिए तो कटिंग लगानी पड़ेगी और कुछों को अपने आप ये पौधे ग्रो हो जाते हैं बीज से, लीप से। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनके लिए एक ही बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे और लंबे टाइम तक आपके पास गार्डन में बने रहेंगे ये पौधे। तो ये है 1000 मदर प्लांट के बेबी प्लांट जो अपने आप ग्रो हो गए थे टेरिस पे, तो मैं उसी में से बहुत छोटे छोटे से लेके आई थी, तो ये मैंने इसमें डाल दिए तो अपने आप ग्रो हो गए। और ये देखिए, ये भी एक परमानेंट प्लांट है, इसके लिए भी एग्लोनिमा का है ये। इसको भी आप एक बारी लाएंगे तो ये सदा आपके पास बना रहेगा और ये जड़ों से बेबी प्लांट छोड़ता है। तो अपने आप देखो, ढेरों पौधे आपके गार्डन में हो जाएंगे और इस पे फूल भी आते हैं और इससे हम अलग अलग करके बहुत सारे पौधे बना लेंगे और बहुत आसानी से ये पौधा चल जाता है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। ये स्पाइडर प्लांट को मैंने रनर से ही करा था ग्रो, तो वो है, तो बहुत अच्छा प्लांट है। और ये है स्पाइडर प्लांट और ये देखिए, जड़ों से ही अपने बेबी प्लांट छोड़ता है। बस मैं एक ही लेके आई थी 3-4 साल पहले और उसी से ही मैंने ढेर सारे पौधे बना लिए। कुछ तो इसको मैंने डिवाइड करके बनाया है, कुछ इसके रनर्स होते हैं उसको मैंने मिट्टी में दबा के उससे बनाए हैं। तो इसके लिए सिर्फ बहुत कम खर्च में हम अपने ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बस इनको एक बारी लाने की ज़रूरत है, नर्सरी से एक बारी ले आइए या किसी से आप ले सकते हैं। तो मैं तो इसको अपनी मम्मी के घर से लेके आई थी, बहुत छोटा सा, एक छोटे से कप में मेरे भाई ने लगाया हुआ था, तो मैं उसी को ही कप को ही लेके आ गई थी। किसी त्यौहार पे गई थी, शायद राखी के आसपास या राखी को ही गई थी, तब मैं इसको लेके आ गई। तो उसी से ही देखो मेरे पास कितने सारे ढेर सारे पौधे हो गए। और ये है शुंगूनिया, ये छोटी हुई वैरायटी का नहीं है फ्रेंड, ये बड़ी बड़ी वाली वैरायटी का ही है। ये छोटा मैंने बनाया है और ये भी देखो अपने जड़ों से ही बेबी प्लांट छोड़ता है इस तरह से। आप इसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं, एक गमले में भी इसको रहने दे सकते हैं, जितना चाहे आप इनसे ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बस एक बारी पैसा खर्च करें और अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार करें इस तरह से। और इनकी पत्तियां भी बहुत सुंदर होती हैं और ये नर्सरी में थोड़ा महंगा भी मिलता है। मैंने आज से 1.5-2 साल पहले पूछा था, तब मुझे वो 250 रुपये का बोल रहे थे, पर मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास तब एक मैंने बना चुकी थी और अब मेरे पास 5-6 हो गए हैं और उसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट हैं। और ये है स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है और इससे भी हम जड़ों से डिवाइड कर सकते हैं, इसकी लीव्स को भी हम कट करके मिट्टी में दबा सकते हैं, तो उससे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये इस तरह से बेबी प्लांट छोड़ता है, ये देखें इस तरह से, तो इससे आप ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में बना सकते हैं। और ये स्नेक प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये, और ये हवा को भी शुद्ध करता है। और ये है पर्पल कलर का है मैक्सिको पिटूरिया, लंबी वाली वैरायटी है इस, ये इस तरह के देखो अपने आप ही इसके बीज ग्रो हो गए हैं, गिर गए हैं, तो देखो अपने आप ढेर सारे इसने जड़ों में पौधे बना लिए। तो आप इसको अलग अलग करके लगा सकते हैं, ये देखें कितने सारे हैं इसमें, कम से कम 10-15 हैं और मैंने इसको कटिंग से भी लगा रखे हैं। तो देखें इस तरह से आप इसको अलग अलग करके ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में बना लें और ये तेज़ धूप में भी आसानी से चल जाता है। और ये परमानेंट प्लांट है, ऐसा नहीं है कि सीजन के प्लांट है, अब आप लगाओगे तो
ये सर्दी तक ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट है, सदा आपके पास बने रहेंगे। ये छोटी वाली वैरायटी है मैक्सिकन पिटूनिया की, पिंक कलर की है। तो ये भी अपने देखो जड़ों से भी छोड़ता है, पौधे छोटे छोटे होते हैं और ये बीज इसके गिर जाते हैं तो उससे भी ये बेबी प्लांट बना लेता है। तो आप इसे डिवाइड करके भी बना सकते हैं, इस तरह इसके इसके बीज होते हैं, ये देखें बहुत छोटे होते हैं, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, उसके भी दो तीन हिस्से हो जाए तो उससे बहुत छोटे छोटे से हैं। तो आप इसको इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। हम कम खर्च में भी गार्डनिंग करें तो हमको अच्छा लगता है, तो इसके लिए हमें बस एक बारी पैसे खर्च करें और अपने गार्डन में सदा पौधे बनाए रखें। और ये है छोटी वाली वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और ये भी लीफ से भी ग्रो हो जाता है और ये जड़ों से भी बेबी प्लांट छोड़ता है और परमानेंट है। आज से 8-10 साल पहले जब मेरे हस्बैंड इसको लेके आए थे तो सिर्फ एक ही लेके आए थे, एक ही इसका प्लांट था और उससे मेरे गार्डन में ये बहुत सारे हो रहे हैं। अगर मैं इसको अलग अलग लगाऊं तो फ्रेंड इतने सारे पौधे हो जाएंगे कि बहुत सारे, इसलिए मैं ज़्यादा अलग नहीं करती हूँ क्योंकि गमले इतने नहीं होते हैं, फिर इनकी देखभाल भी इतनी करनी होती है। सबसे ज़्यादा इनको पानी वगैरह देने का होता है, जब ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, खासकर गर्मी में। और ये है पत्थरचट्टा का, पत्थरचट्टा भी पत्तों से, अब इसके पत्ते अगर मिट्टी में गिर जाते हैं तो ये बेबी प्लांट बना लेता है और इसके जड़ों से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये देखें, ये जड़ से ही निकला हुआ था तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखें कितना छोटा सा है। तो इस तरह से ये परमानेंट प्लांट है जो गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। और ये है एलोवेरा का, फ्रेंड ये बहुत तेज़ धूप में रखा रहता है इस तरफ, तो इसलिए इसकी पत्तियों का कलर ऐसा हो रहा है, ज़्यादा ग्रीन नहीं है। पहले ये बहुत ग्रीन था सर्दी के टाइम पे, अब गर्मी बहुत हो गई है तो इसकी पत्ती थोड़ा सा लाइट कलर की सी हो गई है। तो ये भी अपनी जड़ों से बेबी प्लांट छोड़ता है। बहुत से फ्रेंड कहते हैं ये लीफ से ग्रो हो जाता है, फ्रेंड मैंने कभी लीफ से ग्रो नहीं किया है, ये बेबी प्लांट जड़ों से ही छोड़ता है। तो इसके लिए आप, ये परमानेंट है, सदा आपके गार्डन में बना रहेगा, तो आप इसके लिए बस एक बार ही पैसा खर्च करें और अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। ये है सदाबहार, ये परमानेंट प्लांट होता है सदाबहार का, और ये देसी वाली वैरायटी है मेरे पास। ये भी बीज से ग्रो हो जाता है ये अपने आप, और छोटे छोटे इसके पौधे हैं इसकी जड़ों में यहाँ पे, तो ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो इसको आप डिवाइड करके कहीं पे भी इसमें से निकाल के लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे बनाएं, और ये परमानेंट है, इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये है कैना लिल्ली, कैना लिल्ली भी अपने जड़ों से ही बेबी प्लांट छोड़ता है, और इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा है, ये रेड कलर का है, इसके रेड कलर के फूल आते हैं। तो फ्रेंड आप इसी तरह से अपने गार्डन में एक बारी पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।